Hey guys, welcome back to Learn to Compete. My name is Hardeep Singh Thakur and today we are going to talk about Cobb Douglas production function. Nutt Wicksell ne ye production function propose kiya tha, magar uske baad 1928 mein Cobb and Douglas ne is production function ko kya kiya tha? Statistically prove kiya tha. Unhi ke naam pe iska naam pada hai Cobb Douglas production function. To shuru karte hain Cobb Douglas production function ko. Sabse pehle start karne se pehle hum basic samajh lete hain production function kya hota hai, jabki hum production function ki kisi bhi video mein pehle production function ki baat karte hain. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जो कि इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन बताता है कि कैसे हम इनपुट को चेंज करेंगे तो हमारे आउटपुट में चेंज आएगा, ये हमें बताता है प्रोडक्शन फंक्शन. अब प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो शॉर्ट टाइम में अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकता है, बट क्या कर सकता है, वो लेबर इंक्रीज कर सकता है. इसलिए हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम ऑल इनपुट्स को कॉन्स्टेंट रखते हैं और सिर्फ एक ही इनपुट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और उसके साथ हम चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या चेंज आता है. वहीं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा जो प्रोड्यूसर है वो ऑल इनपुट्स को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. यानी क्योंकि ये लॉन्ग रन का टाइम है, यानी कि उसको ज़्यादा टाइम मिल गया है, तो अब वो नई फॉर्म भी खरीद सकता है, नई लैंड भी खरीद सकता है, लेबर भी चेंज कर सकता है, कैपिटल भी चेंज कर सकता है, सब कुछ चेंज कर सकता है. तो प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दो टाइप के होते हैं और इनको हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे हम रिटर्न टू फैक्टर एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं, और दूसरी तरफ लॉन्ग रन को हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में. अब क्योंकि सारे इनपुट को चेंज करके हम आउटपुट में चेंज चेक नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के लिए दो ही इनपुट ले लेते हैं, लेबर एंड कैपिटल, और इन दोनों को चेंज करके हम चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है. ये हमने लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में पढ़ा. इसके अलावा कॉब डॉगलस ने भी एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया जो कि लॉन्ग रन से ही रिलेटेड था, जिसमें उसने क्या चेक किया, कैपिटल और लेबर के चेंज होने से आउटपुट पे क्या चेंज आता है. आइए उसके बारे में स्टडी करते हैं. अब कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी करने से पहले हम एक प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी कर लेते हैं. ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है हमें, जीडीपी की कैलकुलेशन का ये प्रोडक्शन फंक्शन था. ये हमें क्या बताता था, वाई इज इक्वल टू में ए एफ एल के एन. इसका क्या मतलब है, y इज इक्वल टू में आउटपुट, a यहाँ पे है ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जबकि l है लेबर, k है कैपिटल, n है नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये जो आउटपुट है ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, लेबर पे डिपेंड करता है, कैपिटल पे डिपेंड करता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है. ये ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है. मान लीजिए हमारा आउटपुट है 500 और हमने लेबर यूज करी 10, तो इसका मतलब है कि एक लेबर हमें 50 की प्रोडक्टिविटी देती है, तो उस एक लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, 50. इसी तरह अगर मान लीजिए 500 आउटपुट है और हमने कैपिटल यूज करी 5, तो एक कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कितनी है, 100. ये हमें बताता है फैक्टर प्रोडक्टिविटी. तो अगर सारे इनपुट की फैक्टर प्रोडक्टिविटी चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे, आउटपुट अपॉन में ऑल इनपुट. यहाँ पे हमने क्या रखा था, आउटपुट अपॉन में लेबर, ये आउटपुट अपॉन में कैपिटल. इसी तरह अगर सारे इनपुट को ऐड करके हम रखते हैं आउटपुट के नीचे, तो हमें किसकी क्या मिल जाएगा, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, जिसे मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं. मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्यों, क्योंकि इसमें सारे फैक्टर ऐड हो जाते हैं. अब इसमें एक और चीज आती है, जो हमारी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है ये सिर्फ लेबर और कैपिटल पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे. कैसे, मान लीजिए एक कंपनी 10 लेबर यूज कर रही है और 500 का प्रोडक्शन कर रही है, तो वहां फैक्टर प्रोडक्टिविटी है 50. वहीं दूसरी ओर एक कंपनी 10 लेबर ही यूज कर रही है बट 700 का प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बेटर है, तो इधर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कितनी है, 70. तो जैसे ही टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे ही क्या होता है, एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है लेबर की और कैपिटल की. तो ये जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है हमारा, ए जो है, जिसे हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेटर होगी उतनी ही हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उतनी ही हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. अब कॉब डॉगलस ने इस ए को क्या माना था, कॉन्स्टेंट माना था टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को, और उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया जिसे हम कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. उन्होंने इसमें क्या कहा था, Q जो कि आउटपुट है इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और इक्वेशन उन्होंने क्या दी थी, ए एल अल्फा के बीटा. Q क्या है, आउटपुट है, एल लेबर है, के कैपिटल है, ए की हम बात कर चुके हैं, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है जो कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, जिसे यहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टेंट माना था, यानी कि इट इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. वहीं दूसरी ओर अल्फा क्या है, अल्फा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, एंड बीटा क्या है, बीटा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल. अभी आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल का
क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, अगर मान लीजिए हम आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर चेक कर रहे हैं, इसका मतलब होगा परसेंटेज चेंज इन आउटपुट विद परसेंटेज चेंज इन लेबर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लेबर को किसी परसेंट से चेंज करें तो आउटपुट कितने परसेंट चेंज होगा। मान लीजिए अगर हमने 1% से लेबर को चेंज किया और आउटपुट हमारा 0.45% चेंज हो गया, तो हमारी आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर कितनी हुई? 0.45। इसी तरह आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल कैसे होगी? अगर मान लीजिए 1% कैपिटल चेंज करने से हमारा आउटपुट 0.59% चेंज हो रहा है, तो हमारी आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल कितनी हुई? 0.59। तो हम कह सकते हैं अगर हमें अल्फा की वैल्यू 0.45 दी है, तो इसका मतलब है कि 1% अगर हम लेबर को चेंज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट 0.45% चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर हमें बीटा की वैल्यू दी है, कुछ भी मान लीजिए 0.59 ही दी है, तो इसका मतलब हुआ कि 1% कैपिटल को चेंज करने से आउटपुट 0.59% चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, हमने अपनी इक्वेशन को लिया है क्यू इज इक्वल टू में ए एल एल्फा के बीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है? आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, और बीटा क्या है? आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। पर कई जगह ऐसे लिखा होता है क्यू इज इक्वल टू में ए एल बीटा के अल्फा। वहाँ पे अल्फा क्या होगी? आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, एंड बीटा क्या होगी? आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर। सो यहाँ पे क्योंकि हमने एल के साथ अल्फा लिया है, तो अल्फा बताएगा आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, और के साथ बीटा लिया है तो बीटा बताएगा आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। और ये अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है और 1 से कम होती है। कॉब डॉगलस ने कहा था कि ये जो अल्फा और बीटा होते हैं ये कांस्टेंट रहते हैं गिवन टेक्नोलॉजी पे। अगर किसी इंडस्ट्री में अल्फा की वैल्यू 0.75 है और बीटा की वैल्यू 0.25 है, वहीं किसी इंडस्ट्री में अल्फा की वैल्यू 0.25 है, बीटा की वैल्यू 0.75 है, यानी कि हर इंडस्ट्री के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट ये रहेगी कांस्टेंट ही। अगर मान लो हम इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री में अल्फा और बीटा की वैल्यू 0.75 और 0.25 है, तो ये इस इंडस्ट्री के लिए हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये कॉब डॉगलस ने माना था। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता लगा इक्वेशन से? क्यू हमारा आउटपुट है, ए हमारा टोटल फॉर वेक्टर प्रोडक्टिविटी है जो कि कांस्टेंट है, एल हमारी लेबर है, अल्फा हमारा आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर है, एंड के हमारी कैपिटल है, और बीटा हमारी आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल है, और ये अल्फा और बीटा जो है हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न टू स्केल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। इसे हम पहले भी रिटर्न टू स्केल वाली वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 टाइप के रिटर्न टू स्केल की बात की थी, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू। अब कॉब डॉगलस के केस में कब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, कब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, कब डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, इसे हम समझेंगे। पर इसे समझने से पहले हमें एक चीज समझना जरूरी है, व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन। अब होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं, हम समझेंगे इसे एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, जेड जो है फंक्शन है एक्स और वाई का, और इसकी इक्वेशन है एक्स की पावर एन वाई की पावर एन। मान लीजिए ये प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन है, जेड हमारा आउटपुट है, एक्स एंड वाई हमारे इनपुट है। ठीक है, अगर हम इनपुट को लैम्डा से इंक्रीज कर दें, लैम्डा गुना एक्स बढ़ा दें और लैम्डा गुना ही हम वाई को बढ़ा दें, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? लैम्डा एक्स टोटल की पावर एन प्लस लैम्डा वाई टोटल की पावर एन। ठीक है, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खुली, लैम्डा एन एक्स एन बन गया, इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट खुली, लैम्डा एन yn बन गया। अब लैम्डा n दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, ये बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? xn प्लस yn। यहाँ पे आप देखिए होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन हुआ जिसमें अगर हम इनपुट को लैम्डा से या किसी भी एक कॉमन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें वो पूरा का पूरा फैक्टर आउट हो जाए, मतलब कि इक्वेशन वैसी की वैसी ही रहे जैसी पहले थी। याद देख सकते हैं, इक्वेशन वैसी की वैसी रही जैसे पहले थी और ये लैम्डा पूरा का पूरा बाहर आ गया। यहाँ पे इसकी पावर जो बताएगी वो क्या बताती है? डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। तो हम कह सकते हैं ये एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। मान लीजिए एक और प्रोडक्शन फंक्शन है जेड जो कि आउटपुट है और इसकी इक्वेशन है एक्स की पावर एन वाई की पावर एन। यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। और वैसे ही हमने एक्स और वाई इसके दो इनपुट हैं, इसको हमने क्या किया? लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, यानी कि लैम्डा गुणा बढ़ा दिया। तो क्या होगा? एक्स भी लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, वाई भी लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा। हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा एन एक्स एन मल्टीप्लाई में लैम्डा एन वाई एन। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो लैम्डा एन प्लस लैम्डा एन हो जाएगा और साथ में एक्स एन मल्टीप्लाई वाई एन रह जाएगा। यहाँ पे लैम्डा एन प्लस एन क्या हो गया? लैम्डा टू एन हो गया और अंदर क्या रहेगा? एक्स एन मल्टीप्लाई वाई एन। ये आप देख सकते हैं जैसी इक्वेशन थी वैसी की वैसी रहेगी, ये लैम्डा हमारा पूरा फैक्टर आउट होके
बाहर आ गया। तो ये एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है, 2n। सो क्या हम कह सकते हैं दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2n। एक और अगर हम होमोजीनियस फंक्शन चेक करें, अगर मान लीजिए एक फंक्शन है जिसमें z जो है आउटपुट है और ये हमारी इनपुट की इक्वेशन है x की पावर n प्लस y की पावर 2n। यहाँ पे हम इसे लैम्डा से x और y को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, लैम्डा x की पावर n प्लस लैम्डा y की पावर 2n। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लैम्डा n x की पावर n प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे लैम्डा की पावर 2n इंटू में y की पावर 2n। अब यहाँ पे लैम्डा n है, यहाँ पे लैम्डा 2n है, बीच में प्लस का साइन है, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, लैम्डा n कॉमन आ जाएगा। लैम्डा n कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, x की पावर n प्लस एक लैम्डा n बाहर चला गया, अंदर एक लैम्डा n रह गया इंटू में y की पावर 2n। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन थी x की पावर n प्लस y की पावर 2n, यहाँ पे इक्वेशन रहेगी x की पावर n प्लस लैम्डा पावर n y की पावर 2n, यानी कि पूरा लैम्डा जो है फैक्टर आउट नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं ये एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। ये हमारी इक्वेशन है, हमें क्या पता था Q जो है वो किसके इक्वल है, ए एल अल्फा के बीटा, ये मल्टीप्लाई में ही है सारे। अब हमने लेबर और कैपिटल को लैम्डा गुना बढ़ा दिया, यानी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए तो कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ गया, लैम्डा एल की पावर अल्फा लैम्डा के की पावर बीटा हो गया। अब ए बाहर है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अल्फा एल की पावर अल्फा मल्टीप्लाई में लैम्डा की पावर बीटा के की पावर बीटा, ये आ गया हमारा। अब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या कहा था, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो क्या आ गया, लैम्डा अल्फा प्लस बीटा, अंदर क्या रह गया, ए अंदर आ जाएगा, एल अल्फा के बीटा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फंक्शन है वो वैसा का वैसा ही रहा, और जो हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया था वो पूरा का पूरा फैक्टर आउट होके बाहर आ गया। तो हम कह सकते हैं कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। अब डिग्री क्या है कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन की, इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री अल्फा प्लस बीटा। मैंने आपको बताया था जिससे हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी जो पावर आती है वो डिग्री बताती है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन की डिग्री क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा। अब मान लीजिए लेबर और कैपिटल को हमने लैम्डा गुणा नहीं दो गुणा किया होता, मान लीजिए हमने लेबर और कैपिटल को दो गुणा कर दिया, तब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, ये हमारा कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन है, क्यू इज इक्वल टू में ए एल अल्फा के बीटा, ठीक है। अब हमने लेबर को भी दो गुणा कर दिया, कैपिटल को भी दो गुणा कर दिया, तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या बन जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2l की पावर अल्फा 2k की पावर बीटा। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, 2 अल्फा l की पावर अल्फा मल्टीप्लाई में 2 की पावर बीटा k की पावर बीटा। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो 2 की पावर अल्फा 2 की पावर बीटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, 2 की पावर अल्फा प्लस बीटा, ये a इधर आ गया, एल अल्फा के बीटा। तो अंदर वाला फंक्शन वैसा का वैसा रहा और ये 2 जो है जिससे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ये पूरा का पूरा फैक्टर आउट होके क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये तो हमें पता ही है। अब क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा हमें बहुत कुछ बताता है, ये डिग्री जो है हमारी प्रोडक्शन फंक्शन की अल्फा प्लस बीटा जो कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन की डिग्री है, ये ही डिसाइड करती है कि जो कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, कैसे आइए देखते हैं। मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल टू 1 है, ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये 1 आ गई, तो क्या होगा, क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 की पावर 1 ए एल अल्फा के बीटा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब हमने लेबर और कैपिटल को दो गुणा किया हमारा आउटपुट क्या हो गया, दो गुणा हो गया, ठीक है। मतलब कि अगर हमने लेबर और कैपिटल को दो गुणा किया हमारा आउटपुट भी क्या हो गया, दो गुणा हो गया। इसी तरह अगर हमने 3 गुणा किया होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 3 की पावर 1 ए एल अल्फा के बीटा, यानी कि यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, 3 गुणा हो जाता है। इसी तरह अगर हम 4 गुणा करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, 4 गुणा हो जाता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है तो जितने गुणा हम लेबर और कैपिटल को कर रहे हैं उतने ही गुणा हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या बताता है, जितने प्रोपोर्शन में हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं उतने ही प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो हम जितने प्रोपोर्शन से लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर 2 से कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी 2 गुणा हो रहा है, अगर 3 गुणा लेबर और कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट भी 3 गुणा हो रहा है, अगर 4 गुणा लेबर और कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट भी 4 गुणा हो रहा है। तो ये तो था कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का केस। अब आता है मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, फिर क्या होगा, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 होगी तब क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब हमने लेबर और कैपिटल को 2 से इंक्रीज किया तो हमारा आउटपुट कितने से इंक्रीज हो गया, 4 से। वहीं अगर हमने लेबर और कैपिटल को 3 से इंक्रीज किया होता तो हमारा आउटपुट कितने से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 मानी है, तो अगर हमने 3 से इंक्रीज किया तो हमारा आउटपुट कितने से इंक्रीज हो रहा है, 3 का स्केयर कितना होता है,
9 से. वहीं अगर हमने 4 से लेबर और कैपिटल को इंक्रीज किया होता तो हमारा आउटपुट कितने से इंक्रीज हो रहा था, 16 से. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अगर लेबर को 2 से इंक्रीज कर रहे हैं लेबर और कैपिटल को, तो आउटपुट हमारा 4 से इंक्रीज हो रहा है. लेबर और कैपिटल को 3 से इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट हमारा 9 गुना बढ़ रहा है. अगर लेबर और कैपिटल को हम 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट हमारा 16 गुना बढ़ा रहा है. तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ए केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि हम लेबर और कैपिटल को कम मात्रा में बढ़ा रहे हैं जबकि आउटपुट हमारा ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है. तो हम कह सकते हैं जब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होता है, दैट इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. अब थर्ड केस क्या आता है, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा जो है वो लेस देन 1 हो गया. अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर यही वाला केस हम लें तो अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए 0.5 है, तब क्या होगा, 2 की पावर 0.5 कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.4. यानी कि हमने लेबर और कैपिटल को तो बढ़ाया 2 गुना और हमारा आउटपुट कितना गुना बढ़ गया, 1.4 गुना. इसी तरह अगर हमने लेबर और कैपिटल को 3 गुना बढ़ाया होता तब हमारा आउटपुट बढ़ जाता है 3 की पावर 0.5 हो गया अप्रोक्सीमेटली 1.7. तो यहाँ हम कह सकते हैं जब हमने 3 गुना बढ़ाया तो हमारा आउटपुट बढ़ गया 1.7 गुना. तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लेबर और कैपिटल को जब 2 गुना बढ़ा रहे हैं आउटपुट सिर्फ 1.4 गुना बढ़ रहा है, जब हम लेबर और कैपिटल को 3 गुना बढ़ा रहे हैं हमारा आउटपुट सिर्फ 1.7 गुना बढ़ रहा है. तो इसका मतलब हुआ जब अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होता है तो कौन सा केस होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का, यानी कि हम लेबर और कैपिटल को तो ज़्यादा बढ़ाते हैं पर आउटपुट हमें कम मात्रा में मिलता है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब लेबर और कैपिटल को हमने 2 गुना बढ़ाया आउटपुट हमें 1.4 मिला, जब 3 गुना बढ़ाया आउटपुट 1.7 मिला. किसकी वजह से, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा लेस देन 1 है. तो आई होप आप लोगों को तीनों केस समझ में आ गए होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है. जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है दैट इज अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और इसे हम ये भी कहते हैं इट इज अ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 या लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. जब कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1. वहीं अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का केस है, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का केस है. तो ये सब था कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में. एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, हमने कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा जहाँ पे क्यू आउटपुट था, ए हमारी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी थी जिसे हम मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं और इसे कॉन्स्टेंट माना गया था. वहीं एल लेबर था, अल्फा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर था जो कि कॉन्स्टेंट है, के हमारा कैपिटल था, बीटा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल था जो कि कांस्टेंट है. ठीक है, एल लेबर है, के कैपिटल है, ए टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, अल्फा जो है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर है, बीटा आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल है. इसके साथ हमने तीन केस करे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसे हम क्या कहते हैं साथ में, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन या होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1. तो लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जितने से हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उतनी ही मात्रा में हमारा आउटपुट बढ़ रहा है. अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, हमने बात करी क्यू इज इक्वल टू में ए एल अल्फा के बीटा. अब कई लोग ऐसे लिख देते हैं क्यू इज इक्वल टू में ए एल अल्फा के 1 माइनस अल्फा. देखिए बीटा 1 माइनस अल्फा कब होगा, जब वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होगा. समझ में आया, बीटा को 1 माइनस अल्फा अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आप कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात कर रहे हैं. अगर ऐसा दिया है तो आप अपने आप समझ जाइएगा ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का केस है, यानी कि लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है. अगर वो ऐसे देता है कि कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ए लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन और वो अल्फा की वैल्यू हमें उसने दी है 0.75, हमसे बीटा की वैल्यू पूछी है, तो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस अल्फा. ठीक है, क्योंकि सिर्फ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बीटा 1 माइनस अल्फा के इक्वल होता है. वहीं दूसरी तरफ आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का केस. इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के केस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1. एंड तीसरा केस है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के केस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1. तो ये थे तीनों केस, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के केस, और साथ में कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है. इसके साथ ही कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ फीचर्स होते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं उस पर भी वीडियो बने तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ में लाइक करना मत भूलिएगा. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग. जय हिंद, धन्यवाद.